हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरे से राम राम जी। अभी सुबह क्या कहते हैं 7:45 हो रखे हैं और मैं बैठी हूँ यहाँ पे ब्लॉग की एडिटिंग करने के लिए। और क्या कहते हैं, मनु का पापा सुबह सुबह निकलना था, वो चले गए थे और मनु आज स्कूल के लिए उठा ही नहीं है। कहता मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है, मेरा बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग है, क्योंकि ये बीच में स्कूल नहीं जा रहा था जब इसकी तबीयत ख़राब थी, तो इसका होमवर्क बहुत इकट्ठा हो रखा है। तो कहता मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। तो फिर अभी सो रहा है तो मैंने उसको उठाया नहीं, तो मैं उसे एडिटिंग करने लगी हूँ। तो एडिटिंग करके फिर बस वीडियो अपलोड करूँगी। तो ब्लॉग की एडिटिंग होगी, अभी रेंडर लगा हुआ है। तब तक मैंने मतलब कुछ ब्रेकफास्ट बना के मनु को दे के जल्दी जल्दी उसको दवाई दे देती हूँ। उसको भी दवाई चल रही है ना, तो उसको दवाई खिला के उसको उठा देती हूँ। लेकिन वहाँ सो रही है मनु, वहाँ मंजे पर सो रहा है, तो इसको कुछ खिला के इसको दवाई दे देती हूँ। तब तक रेंडर हो जाएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो मनु भी उठ चुका है और बोल रहा है मम्मी मुझे चाय के साथ ना रोटी दे दो, मतलब नमक मिर्च लगा के। इसको पता नहीं क्यों ऐसे रोटी बहुत अच्छी लगती है, इसको बोल रही परांठा परूठा बना लेती हूँ। कहता नहीं मुझे नमक मिर्च लगा के रोटी दे दो चाय के साथ, तो वो खा के फिर ये दवाई खा लेगा ना। तो यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट हो गया तैयार मनु का। अभी पहले इसको ये दे देती हूँ चाय और मतलब रोटी खा के ना, फिर दवाई खा लेगा, फिर उसके बाद बनाती हूँ। मनु ले बेटा, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये देखिए, ये स्कूल नहीं गया, होमवर्क इकट्ठा है, होमवर्क इकट्ठा है, इतना इकट्ठा तो भाई खत्म करेगा ना तभी ना। कल भी किया इसने, इतना सारा कितना है। मैम ने कहता कि कॉपी नहीं बना के रखे हो, इस जो एक पेज थे इसने, हाँ इतना होमवर्क किया था। और उसके फिर मैम ने दोबारा बोल दिया इसको कॉपी बनाने के लिए। और कल भी रात शाम को लगा हुआ था ये कितना सारा काम करने के लिए, ट्यूशन भी नहीं गया था और देखो आज स्कूल भी नहीं गया। और जबकि मनु का पापा गुस्सा कर रहे थे कि इसको स्कूल भेजना है भेजना है, फिर भी मैंने सोचा चल कोई बात नहीं कर लेगा काम। लेकिन आज काम खत्म होना चल रहा तेरा, सुन गया उन कोई छुट्टी छट्टी नहीं करनी, समझ गया। तो मनु का ब्रेकफास्ट वगैरह होगा तो उसने दवाई खा लिया। देखो सौरभ जोशी देख रहा है बैठ के यहाँ पे और दवाई खा रहा है। अब बस मुझे अपनी दवाई खानी है। तो मनु की दवाई हो चुकी है और मेरा ना सिर में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ ना, फिर उसको मैं सोई नहीं थी। तो क्या कहते हैं, कल मनु हर थोड़ी देर सिर हो दुख रहा मेरे थे मन। तो क्या कहते हैं, कल ना मैं जब डॉक्टर के पास गई थी ना, वहाँ पे तो उन्होंने मेरा बीपी चेक किया ना, जब बीपी चेक कर रहे थे ना, तो जब वो मशीन लगाते यहाँ पे बीपी वाली बाजू में, तो मुझे तो ना इतना आराम आ रहा, ऐसा लग रहा था जैसे ना कोई ना मेरी ऐसे ना बाजू दोबारा, इतना अच्छा लग रहा था मुझे ना। फिर मनु का पापा कहते ले, कहते मैं भी चेक करवाऊँगा, कहता मेरा भी चेक कर दो। तो वो इन्होंने डॉक्टर ने मनु का पापा को भी लगा दिया। तो फिर ना मैंने उनको बोला, मैं कहा ऐसे इतना आराम आ रहा ना जैसे ना मेरी बाजू ने कोई बार बार, मैं कहा एक बार और लगवा लूँ मेरी बाजू ने, जैसे कोई दोबारा ऐसे आराम आता है। तो डॉक्टर बोले, कहता कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं, कहता अभी कल परसों की लेडीज़ आई थी, कहता उसका कहता उनको हमने किया, वो कह रही ओई 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 मेरी बाजू ज़्यादा टाइट होगी, बाजू ज़्यादा टाइट होगी ऐसे बोल रही है। कहता कुछ हो ऐसे होते हैं, कहता आप कह रहे हो कि आपको अच्छा लग रहा है, मुझे तो इतना आराम आ रहा था कि जैसे कोई ना बाजू हमारी दबा रहा है, इतना अच्छा लग रहा था। अब मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे मुझे को तो अच्छा लगा था। अब उनको मतलब बुरा लग रहा, मतलब वो होगा ना कि दर्द हो रहा दर्द हो रहा। मैं भी करवाऊंगा। तू क्यों करवाऊंगा बेटा, मैं भी बाजू से आराम लूंगा। जाएंगे अभी डॉक्टर को, अंकल को कह दो कि अंकल जी मेरा भी, हाँ मन्नू का पापा का तो बिल्कुल ठीक था, 125 था ऊपर का और नीचे वाला ये पता नहीं कितना, मैंने ध्यान नहीं याद नहीं मुझे, बट मेरा था 97 ऊपर का और 67 नीचे का, तो ऐसे था बीपी। तो अब दवाई तो मैंने भी खा लिया, मन्नू ने भी खा लिया। लवन्या की आवाज़ आई थी, आ शायद उठ गई है, बुला रही है, तो उसको भी देखते हैं। और मन्नू ना अभी क्या कहते हैं, अभी तो 9:30 हुए हैं और 10 बजे तक जाएगा ये रजिस्टर लेने के लिए, तो रजिस्टर ले आएगा जाके, फिर उसके बाद इस तरह अपना होमवर्क स्टार्ट करेगा। अभी दुकान पता नहीं खुली है कि नहीं खुली, पता नहीं ना, हट लब्बू उठ गई है, उसको देखते हैं बच्चों साई को। अरे 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 बिट्टू उठ गया, मम्मा ने अभी सफाई भी करनी है। शोनी गुड मॉर्निंग बेटा साई। अरे आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय, ए ए ए ए ए ए ए ए ए जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जी। तेरी आवाज़ आई थी पुत्र मनु, तू तो सोगी लब्बू सोगी, ओए नहीं ओए मनु देखे ना क्या कीता, लब्बू सोगी लब्बू तो सोगी लब्बू, ए ए ए ए ए ओए लवन्या दूध ला दो बेटा, कब ब्रेकफास्ट करेगा, चुंडी कर दो चुंडी, लवन्या सोगी मनु सोगी जी, ये सोगी। और ये देखिए ये क्या कर रहा है, ओए मनु सिर दा फुड़ जाता ना, ये तो मोंकी वांगू लटक गया, ओए अगले मनु, हे भगवान मैं तो ऐसे लटक ही नहीं सकती, मैं तो हाथ हाथ से पकड़ के भी जैसे लटका नहीं जाता, ऊपर को नहीं उठा जाता थोड़ा सा,
और ये मैं बस कर हूँ एक बार हो गया बहुत बहुत घर आ जाती है इदा बस कर एक बार ही होंगे होंगे सुनिए चल। तो मनु जा रहा है रजिस्टर लेने के लिए और लस्सी ले आएगा रजिस्टर ले आएगा जल्दी आज बेटा ठीक है। तो मनु आ गया था वापस आने के बाद इसको क्या कहते वो तो मिली नहीं कॉपी तो मिली नहीं क्योंकि दुकान ही नहीं खुली थी और क्या कहते ये ना अभी मैथ का होमवर्क करने लग गया अपना दूसरी कॉपी का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लवण्या बच्चों को मैं खिलाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट फास्ट फास्ट। आज ये थोड़ा लेट उठी है ना जब ये जल्दी उठ जाती है ना तो फिर ये जल्दी खाना खा लेती है जैसे मनु सुबह 7:30 बजे स्कूल जाता है और अगर लेट उठती है तो वो चॉकलेट खाना खाती है और अब उस खाना खा के दवाई खाएगी बस इसको खिला दूँ फटाफट। और इसने सारा गिल्ला कर दिया तो सारे कपड़े गिल्ले कर दिए जैसे कि अभी मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर दिए अब चुंडी तो पता नहीं ये बच्चों को हाथ लगाने देगी अभी कि नहीं तो चुंडी भी कर दूँ मैं है लबो अम्मा चुंडी कर दे छोने देखो देखो इधर देखो इधर तो चलिए लवण्या को ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। ये देखिए इसने बच्चों ने यहाँ गिल्ला कर दिया छुच्छू कर दिया और मनु क्या कहते हैं दोबारा जाके वहाँ से रजिस्टर वगैरह ले आया था नया वाला आ ही है नया ना हाँ तो ये लेके आया था 70 रुपीज़ का आया 70 रुपये का बाप रे इतना महंगा हो गया 50 का था पहले अब 70 का हो गया है। और क्या कहते हैं अब ये यहाँ पर बैठ कर पढ़ने लगा ग्लूकोन डी वगैरह इसने इसको दिया मैंने बना के अब ये पिएगा एक गिलास मेरा एक इसका और आप सब भी पी लीजिए। और लवण्या बट्टू हमारी गिलास कितने 2000 बेटा पहले गाइस पी लेंगे फिर आप पी लेंगे जैसे पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं फिर बाद में तो हम ही खा जाते हैं ना तो इसलिए ऐसे ही गाइस है ठीक है। और क्या कहते हैं मन लवण्या हमारी सो गया उसको दूध वगैरह पिला दिया था मैंने तो उसको दूसरे रूम में लटा दिया वो सो गई अब मैं जा रही हूँ कपड़े कपड़ों की तय करने के लिए। और इसको ना मेरा फ़ोन चाहिए क्योंकि इसको व्हाट्सएप पे भी काम आ रखा है तो वो भी इसने करना है तो तब तक मैं क्या कहते हैं खाना खुना बना लूँगी और थोड़ा काम कर लूँगी तब तक ये अपना काम कर होमवर्क कर लेगा जितना भी है ठीक है बेटा। आप पी भी लें कि कॉपी कूपी तेना डोल दी ना फिर ख़राब हो जाएगा वेस्ट हो कल भी तो ऐदा ही किया था। तो लंच करने के बाद लवण्या सो गई थी तो अचानक से ना रोने लग गई पता नहीं डर गई शायद बेटा ना मम्मा मम्मा अच्छी है मम्मा लवण्या क्या होगा बेटू। हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है उसके बाद मेरा वीडियो बना ही नहीं था क्योंकि मन्नू को फ़ोन चाहिए था वो काम कर रहा था उससे तो मैं आ गई अभी किचन में और बस ये किचन पूरा मैं रात को साफ करके मैंने रखा था और अब बस उसको कपड़ा फेरूंगी फिर उसके बाद मन्नू के लिए सब्जी वगैरह बनाऊंगी क्योंकि उसको स्कूल जाना है लंच बॉक्स तैयार करना उसका और उसको मैं उठाती हूँ और बाथरूम भेजती हूँ अभी सुबह के ना 6:45 रखे हैं और उसको उठा के बाथरूम भेजती हूँ तैयार भी हो जाएगा। तो ये देखिए ये सो रहा है बिट्टू उठो बेटा गुड मॉर्निंग चलो उठो राम राम जी उठो जा जल्दी ना लो फटाफट। और ये देखिए लवण्या ना पूरे मतलब यहाँ पर ना घूम जाती है अभी और ये कैसे सो रही है यहाँ सीधी सो रही थी ये और ये घूम के देखो कैसे यहाँ से यहाँ हो गई है और सुबह सोई है ये रात को नहीं सो रही थी सुबह सो रही थी सुबह सोई है मतलब रात को जाग रही थी अब इसका फिर से टाइम चेंज हो गया बच्चों का। तो मनु भी उठ गया नहाने के लिए और यहाँ पर मैं लहसुन भून रही हूँ और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये प्याज और लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ तो लौकी को मैंने काट लिया अभी छील लिया अब इसको मैंने काटना है फटाफट तब तक इधर प्याज भून देती हूँ मनु भी आ जाएगा उसके बाद फिर उसका टिफिन टिफिन पैक करूँगी बोल रहा था आज बनाना शेक बना दो पहले रोटी खिलाऊँगी उसके बाद बनाना शेक बनाऊँगी वरना बनाना शेक पी के चला जाएगा रोटी खाएगा ही नहीं। तो मनु भी नहा के तैयार हो गया हाँ जी बेटा राम राम जी राम राम जी अच्छा राम राम जी तो बोलता था जय भारत ये तैयार हो गया और ये करने लगा यहाँ पे ब्रेकफास्ट लौकी की सब्जी बन गई है तो ये ब्रेकफास्ट करूँगा मैं इसका टिफिन पैक कर दूँ और बोल रहा बनाना शेक पीऊँगा बनाना शेक बनाने लगी हूँ लवण्या भी उठ गई गुड मॉर्निंग बेटा जी राम राम जी। तो ये देखिए ये उठ गई इसको पता लगा मन्नू भाई को ब्रेकफास्ट दे दिया तो मेरे को क्यों नहीं दिया तो ये नीचे क्या कहते हैं उसको धूप आ रही थी वहाँ पे तो उसको उठा के मैंने मंजे पे लिटा दिया तो मन्नू के लिए पहले बनाना शेक बना दूँ उसको स्कूल भेज दूँ फिर लवण्या को ब्रेकफास्ट करवाती हूँ बेटा दो में रोजा लबू ठीक है बीजी स्कूल जान दो बित्तू ओके। तो बनाना शेक बन के हो चुका है तैयार तो मैं मन्नू को दे देती हूँ और लवण्या भी उठ गया तो उसको भी पिला देती हूँ लवण्या को भी तो आप सब भी पी लीजिए फ्रेंड्स। तो अंदर मन्नू बैठ के पी रहा है तो यहाँ पे ना मैं लवण्या के लिए लेके आ गई हूँ हैं और ये बच्चों को मैं बनाना शेक भी पिला रही हूँ यहाँ पे और मन्नू अंदर पी रहा है और क्या कहते हैं इसको ना मैंगो शेक ज़्यादा अच्छा लगता है बनाना शेक के लिए थोड़ा मुँह बना रही थी ये
लेकिन अब पीने लगी है। मैं कैमरा लेके आ गया तो कैमरे के सामने बच्चों की चलती नहीं है और इतनी समझदार है ये, है लब्बू पी लो बेटा। अच्छा बेइज्जती करती मम्मा, दी बेइज्जती करती, बनाना शेक बेटा, बनाना शेक। तो मन्नू तैयार हो गया है, इसने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया, बनाना शेक पिया, दवाई खा लिया और अब ये निकलने लगा है स्कूल के लिए। और लवण्या धोकर जीवन दे बेटा, लवण्या ने कैसे शोर मचा रखा है, उसको मैंने मतलब कह रहे थे पिला दिया बनाना शेक, बट अब ना उसको रोटी खिला रही है और रोटी के लिए ध्यान का मचा रखा है। बाय बेटा, ध्यान ना जाए, बाय बाय। पाउच वगैरह ले लिया सी ना सारा, मनू तो चला गया स्कूल, लवण्या को मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया, वो लेटी हुई है, इसके मन से बहुत दिन में लगे थोड़ा वीडियो बनाती हूँ तो रोने लगी थी, अब खाना खा लेगी तो बोलेगी लेटा दो फटाफट, सो जाओ सोने दो, तो अब लेटा दिया तो अब सो गई है। और मैंने भी बस अभी बीपी की मैंने दवाई खाई है, और ये भी क्या प्रॉब्लम होती है ना, अगर तो क्या कहते नमक कम हो जाए तो बीपी लो हो जाता है, नमक तेज़ हो जाए तो बीपी हाई हो जाता है, अगर चीनी कम हो जाए तो शुगर डाउन हो जाता है, अगर चीनी तेज हो जाए तो शुगर की मतलब शुगर हाई हो जाता है। ये भी क्या प्रॉब्लम है इंसान के शरीर में ना, पता नहीं चलता कब क्या खाना पीना चाहिए, कैसे खाना पीना चाहिए। तो अब ये देखो उठ गई है लवण्या, मुझे लगता है ना इसको ना गर्मी लग रही है, ये सोच रही है कि मेरे को एसी चला दूँ, एसी चला के शोर मचा दी फिर शायद सो जाएगी। और तो अब भी क्या कहते हैं 8 बजने को 10 मिनट बाकी हैं, तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आ रही हैं बेटा, आ रही हैं।